नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी भाषण। दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि आप जो चांदनी है, जो पिनव्हील फ्लावर है, इसके आप कटिंग कैसे लगा सकते हैं। आपको मैं बताता हूं, बिल्कुल फ्री में, एकदम मुफ्त, कहीं पर भी ये चांदनी का पौधा आपको दिखता है। जस्ट आपको लेना है एक ब्लेड, आप एक ब्लेड लीजिए और इसके कटिंग आप मिट्टी में उगा सकते हैं, पानी में उगा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन सैंड या फिर बजरी में उगा सकते हैं, हार्मोन दे के उगा सकते हैं, हार्मोन के बगैर उगा सकते हैं, किसी भी तरह करिए, हर तरह की इसकी रूटिंग हो जाती है। और मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ, आपको टिक देखिए इसमें क्या है। आपको इस तरह की जो है करीब 3-4 मिलीमीटर जो लेंथ की इस तरह की देखिए, और इसमें थोड़ा सा दूध टाइप का निकलता है सफेद कलर का। ये थोड़ी आपकी स्किन में नहीं लगनी चाहिए, स्किन में लगेगी तो थोड़ा इरिटेटिंग होगी आपको। और इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस तरह की ले लेते हैं, करीब 5-6 इंच के लेंथ। यहाँ पर फूल हो तब भी हो जाएगा, हम फूल काट के हटा देंगे और फूल समेत रहेगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखिए, और ध्यान रखिए कि रूटिंग होगी, रूटिंग जब होगी यहाँ पर जो है नोडल पोर्शन, यहाँ से रूटिंग होगी तो आपको उस तरह से ही आपको स्टेम की कटिंग देनी है। तो इसको जब हम कटिंग ले लेते हैं और लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे बिठाता है। आप वीडियो पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको इसका पूरा रिजल्ट वाला दिखाने जा रहा हूँ अंतिम तक। और ये सबसे आसान है, कहीं पर भी आप गार्डन में देखिए, कहीं पर देखिए, दोस्तों के घर में देखिए, रिश्तेदारों के घर में देखिए, पार्क में देखिए, आप जस्ट एक सर्प ब्लेड लीजिए, नई सर्प ब्लेड लीजिए, इस तरह की कटिंग आप ले लीजिए। और इसको मैं दिखाता हूँ कैसे इसको उगाते हैं, उसके बाद कैसे इसकी रूटिंग होती है, कैसे आपको ग्रोथ करेंगे। बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा, बच्चा भी चाहे तो ये कर लेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं। दोस्तों, ये सारी कटिंग हमारी तैयार हो गई, ये देखिए आप लेते हैं और ये देखिए अब इसको क्या करना है। मेरे ये जो साइज है थोड़ी लंबी है तो हम क्या करेंगे, इसको दो कटिंग कर लेते हैं, इसको कटिंग कर लेते हैं थोड़े। और ये देखिए, ये नोड पोर्शन बहुत जरूरी है। अगर आप फूल रखना चाहते हैं तो फूल रख भी सकते हैं, अगर चाहते हैं कि फूल को काट के हटाना तो कट के हटा भी सकते हैं। ये कटिंग जो पतली है ये वाली हमने कर दी है और ये देखिए तैयार हो गई है। पत्ते में थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आसानी हो। और अगर आप बालू में यानी कि बजरी में उगा रहे हैं तो आपके लिए कुछ हार्मोन पाउडर, रूटिंग हार्मोन पाउडर बहुत कमती पैसे में मिल जाता है। इस तरह का कटिंग एज पाउडर आता है बाजार में आपको 15-20 रुपए में। ये थोड़ी बड़ी फाइल है, इसका करीब 30-40 रुपए लगता है। अगर आप छोटी वाली लेंगे तो 15 रुपया में आपके आ जाएगी। रूटिंग हार्मोन पाउडर एक ले लीजिए आप। और इसको मैं दिखाता हूँ पहले क्या करें आप, ये जो रेत है, रेत लीजिए पहले, रेत इसमें जो है इसको अच्छी तरह से साफ कर लें। साफ करने के बाद थोड़ी सी छोटे छोटे गड्ढे कर लें, गड्ढे कर लिए। अब क्या करना है, इसको हम आप वीडियो पूरा देखिए, आपको मैं अंत में रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा, इस तरह से पानी लीजिए थोड़ा। पानी लेने के बाद ये देखिए हार्मोन को हम पाउडर के समेत इसको लेके उगा देते हैं। ये एक डब्बी आप कोई भी रूटिंग हार्मोन पाउडर कोई भी ब्रांड का कोई भी कंपनी का आप खरीद कर रखिए, घर में हर तरह की कटिंग आपको इसमें लग जाती है। और अगर आप रेत में या बालू में उगाते हैं, बालू में कटिंग सबसे अच्छी ग्रो होती है। इसलिए ग्रो होती है क्योंकि इसमें वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब बहुत कम होते हैं, तो इसमें क्या है सड़ने का डर कम रहता है। अगर आप चाहते हैं कि कटिंग को डायरेक्ट उगाना, आपके पास हार्मोन पाउडर नहीं है और आपको बहुत तेज ग्रो करना है तो आपको ये जस्ट आप इसमें से लीजिए, थोड़े थोड़े पत्ते हटा दीजिए नीचे की तरफ से। और पत्ते हटाने के बाद अगर आप चाहें तो इसको आप पानी में सीधे पानी में इसके रख के आप ये ग्लास में पानी लीजिए, ग्लास में पानी लेके इस तरह से करीब 1.5 इंच पानी, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया पानी, थोड़ा घटा देते, करीब 1.5 इंच का लेयर का पानी आपको होना चाहिए। नीचे की तरफ पत्ता नहीं होना चाहिए, पत्ते होने से सड़ जाएंगे, तो नीचे की तरफ का पत्ता हटा दीजिए। पत्ते हटाने के बाद ये देखिए इसको डुबो के रख दीजिए और ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर हवा का चलाचल अच्छा हो, इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। इस तरह के आप कोई भी जगह का विंडो सीट में रख दीजिए जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो या फिर हल्का चल, इस तरह के आपके ग्रो कर दिए हो जाएगा। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके ये ना मिट्टी लीजिए, कोई भी प्लेन मिट्टी लीजिए इस तरह की, उसमें खाद वगैरह कुछ मत डालिए, प्लेन एकदम गार्डन सॉइल लेके थोड़ी सी मिट्टी को पानी में भिगो दीजिए इस तरह का। लेने के बाद ये जो पत्ते हैं, ये जो टहनी है, इसको छीलने नहीं चाहिए इस तरह की, ध्यान से आप पत्ते हटाए, ये जगह छीलना नहीं चाहिए, बिल्कुल ध्यान से करके आप इसको जस्ट दबा दीजिए अंदर, करीब 1 से 1.5 इंच नीचे अंदर दबा दीजिए। और इसका ध्यान रखें कि इस तरह सेमी शेड में रख दे जहाँ पर वो रख रहे हैं। और इसको हमने हार्मोन पाउडर भी यूज नहीं किया है, कुछ भी नहीं यूज किया है। उसके बाद एक एक करके मैं सारा रियल दिखाता हूँ आपको, पूरा वीडियो देखिए।
बहुत आसान है। इसमें करीब 15 दिन में बिल्कुल आपको इसमें रूट आ जाएगी। रेत में जो है वो थोड़ी ज्यादा अच्छी रूट आती है, इसमें भी आ जाएगी, लेकिन 15 दिन में कंप्लीट रूट आ जाएगी। 10 से 15 दिन में कंप्लीट रूट आएगी। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसका रूटिंग कैसे हुआ है। मेरे पिछले 15 दिन पहले मैंने कुछ कटिंग उगाई थी, तीन तरह से, तीनों तरह के रियल में आपको। 15 दिन पहले हमने लगाई थी, यहाँ पर कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सिर्फ मिट्टी में उगाए थे, इसमें कोई भी हार्मोन पाउडर वगैरह कुछ यूज नहीं किया, प्लेन मिट्टी है। और ये देखिए, यहाँ पर रूट निकल आई है। और एक छोटा से गमले को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए रूट आने लगी है, सारे में रूट आ गई है। ये देखिए कितनी सारी रूट आई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए रूट आ गई है इसमें, और एक अच्छी तरह से नहीं निकली है इसमें। ये देखिए रूट, कितनी सारी रूट आई है। इस तरह से आपकी रूट के कंप्लीट हो जाएगी। और आप सॉयल या गार्डन सॉयल और कंपोस्ट लेके आप मिश्रण बना के, ये आपको 3 इंच का गमला है, 3 इंच के गमले में है, इसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, ये आपको बिठा दिया, पूरा पौधा इसका बेल गया इसका। इसमें हम पानी डाल देंगे, अब कुछ नहीं करना है, पानी डाल देना है इस तरह से। और इस तरह से ना हार्मोन लगा, ना कुछ लगा, कुछ नहीं लगा, सिर्फ इसमें 15 दिन में हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने रेत में लगाई थी, रेत का भी मैं थोड़ा रियल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसका रूट्स, देखिए क्या रूट्स है, देखिए। और एक दिखाता हूँ मैं इसमें, हालांकि हार्मोन पाउडर का हमने प्रयोग किया है, ये भी देखिए अच्छा है। ये जो फूल वाला है, फूल समेत भी लगा दिया था हमने, ये फूल वाले भी टहनी भी आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इस तरह की हो जाएगी। ये देखिए रूट्स, देखिए क्या रूट्स है, बहुत आसान है। आप इसको भी हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम मिट्टी का मिश्रण लेके बिठा देते हैं, और ये बैठ गया, इसको हम पानी डाल देंगे, इस तरह से आप ग्रो कर ले। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ पानी में, सिर्फ पानी में हमने ग्रो किया था, और इस तरह से पानी में ये 2 ग्लास हमने रखा है ताकि इसमें उलट नहीं जाए। ये देखिए रूटिंग, देखिए इसकी कितनी अच्छी रूटिंग है। थोड़ी पानी में रूटिंग का सिस्टम थोड़ा अलग आता है, ध्यान दीजिए। ये पानी थोड़ा पुराना हो गया, 3 दिन 4 दिन, हमेशा 3 दिन 4 दिन बाद बाद पानी का चेंज करते रहे, सिर्फ पानी। इसमें कोई हार्मोन पाउडर, रूटिंग हार्मोन पाउडर कुछ नहीं देना है। और ये देखिए, इसमें हो सकता है कि पानी में 1-2 खराब भी हो जाए, कोई हो जाएगा, देखते हैं। अगर आपको लगता है कोई सर रहा है तो आप इसको हटा दीजिए। तो इस तरह के आपको देखिए, ये जो सफेद वाले पोर्शन है, इसमें से और भी रूटिंग आने वाली है। ये जो सफेद जो स्पेक दिख रहे हैं आपको, ये सारे इसमें से फिर से रूट्स निकलेंगे, सारे में भर भर के रूटिंग आएगी। ये देखिए इसमें भी देखिए, ये सफेद वाला पोर्शन है, इसमें भी से रूटिंग आएगी सारी। और ये रूटिंग अब मैं क्या करूंगा, इसको जैसे हमने पहले भी पॉटिंग किया है उसी तरह से हम इसको मिट्टी लेके, सॉइल मिक्स लेके, और इसको हम बिठा देते हैं। और बिठाने के बाद 2-3 दिन आप सेमी शेडियर में रखें, और उसके बाद आप बिल्कुल धूप में निकाल दें। और ये चांदनी का पौधा धूप में काफ़ी अच्छा रहता है, चांदनी वहीं अच्छी होती है जहाँ पर धूप अच्छा होता है। ये पेरिनियल पौधा है, सालों साल आपको चलने वाला है और बहुत सारे फूल देने वाला है। अगर इस तरह की कटिंग आप लगा रहे हैं जहाँ पर फंगस का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप इस तरह के बेबिस्टिंग या सैप का पाउडर ले लें, 2 ग्राम पर लीटर में मिला के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और इसके बाद 5 दिन 7 दिन में आप उसके ऊपर एक थोड़ा पैनिंग देखिए, इस तरह से आप स्प्रिंकल कर दें, इसके क्या फंगस का प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। अगर फंगस का प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा पूरा तरीका चांदनी का, आज ही आप करिए, क्योंकि बरसात का सीजन है, बहुत जल्दी फास्ट रूट ग्रो करता है। जितनी भी कटिंग लगाएंगे 90 से 100% कटिंग आपकी लग जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और आपको एक पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है कोई भी कटिंग लगाने के लिए। सारे वीडियो में आपके मेरी जितनी तरह की कटिंग की वीडियो है आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। और देखने के बाद लगाइए, पौधा ग्रो होने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कैसा ये हुआ है, उसके बाद मुझे आप बताइएगा कि आपका सफल हुआ। ये सारे देखिए ना, सारे पौधे बने थे, भरे भरे सारे जितने भी है, एक भी फेल नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा रियल है, सारे के सारे जितने भी मैं दिखाता हूँ आपको, एक भी फेल नहीं है। पतला हो, मोटा हो, कोई भी तरह के, देखिए ना रूटिंग क्या है। आप देखिए हर एक इसमें कटिंग ग्रो की है, और इस तरह की आप करिए। और उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माय पैशन हिंदी भाषा में नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।